तो फ्रेंड्स, आज मैंने किया था फ्रिज को क्लीन, और ये देखिए मेरे को क्लीन कर दिया है मैंने फ्रिज अपना। और मेरा बेटा ना अभी लेकर आ गया था कुछ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी उसका शैतानिया। और ये देखिए मेरा फ्रिज ऐसे हुआ है क्लीन। यहाँ पर रखी है मैंने इनो रखी है, और यहाँ पे ना कुछ पाउच वगैरह बच जाते हैं वैसे वो है। यहाँ पर ब्रेड रखी है, और इधर रखा है सामान। और फ्रीजर के अंदर मैं कुछ नहीं रखती, सिर्फ बर्फ़ की एक वो रखी है। और यहाँ पर ना मुझे एक खाली बर्तन रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज को जब थोड़ी बहुत देख ले लाइट चली जाती है तो फ्रिज से पानी निकलता रहता है। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा आ गया था परेशान करने के लिए, और यहाँ पर ना फ्रिज में रखी है मेरी सब्जियाँ। बस हो गया था मेरा आज फ्रिज क्लीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अभी से, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं। और मैंने आज खाने में बनाई थी गोभी आलू की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी पराठे। और मेरी बड़ी वाली डॉटर मना कर रही खाने के लिए, उसको रोज आलू जीरा और आलू का पराठा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने तो आज गोभी आलू बनाया है, आप देखती हूँ उसको। वो तो कह देती है मुझे नमक मिर्ची का परांठा बना दो सिंपल सा। तो चलिए, और आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी नहीं, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, तो वही उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करूँगी मैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में पूरा, क्योंकि मैं शेयर करूँगी अभी खाना खाने की बात आप लोगों के साथ। और आज मैंने फ्रिज क्लीन किया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो बस ऐसे ही आज मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था साड़ी पहनने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूं कि हम एक चैलेंज वीडियो लाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना हम कौन सा चैलेंज करें। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं पहले खाना वगैरह बना लेती हूं, उसके बाद मैं बात करती हूं आप लोगों से और दिखाती हूं क्या मंगाया है मैंने फ्लिपकार्ट से, क्या ऑर्डर किया है। अभी मेरा खाना पीना हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो अनबॉक्स कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने फ्लिपकार्ट, वैसे तो मुझे ना शॉपिंग करना ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें डाउट रहता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर करती भी हूँ ऑनलाइन, तो मुझे ना फ्लिपकार्ट की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ना रिटर्न वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो अभी शॉपिंग मैं ऑनलाइन करती हूँ वो मैं फ्लिपकार्ट से ही करती हूँ। तो चलिए फिर अनबॉक्स करते हैं मैंने क्या मंगाया है। ये देखिए मेरे बेटे को, मतलब इसको ना पहले इसको चढ़ना है, बस पहले इसको चढ़ना है कि क्या है क्या है। ये देखिए इसका तो खेल बन गया ये। तो फ्रेंड, मेरा बेटा ना परेशान करने लग रहा है, उसको ना कसके पकड़ना पड़ रहा है मुझे। और यहाँ पे ना ये शॉपिंग जो ऑनलाइन मैंने की थी, मेरी बेटी का ऐसी अनबॉक्सिंग, बच्चों को ना ऐसे ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे काम करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या मंगाया मैंने। तो मैंने मंगाया है ये, और ये है स्पाइसी जार, तो नहीं ऊपर
ऑन कर दिया सनी। तो ये देखिए इसमें ना ये बॉटल्स हैं इस तरह की छोटी छोटी, तो दिखा देती हूँ मैं आपको, पहले एक ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ना प्लास्टिक की है, कांच की नहीं है और इसकी 250 ml कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये है, मतलब मैंने सारे जार खोल लिए थे और ये 16 का पैक है, टोटल 16 है इसमें इस तरह से। और ये ना बहुत ही आसानी से घूम जाता है इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, और जो भी आप रखो इसके अंदर सामान वो क्लियर दिखाई देगा आपको। 250 ml की कैपेसिटी है इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत पसंद आया मुझे। और 16 पीस हैं इसके अंदर, 16 मतलब 16 तरह के आप चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो। तो मैं अभी आपको ना इसे फिल करके बाद में दिखाऊंगी, अभी मेरे को किचन का मेकओवर करना था, तो जब मैं इसे फिल करूंगी ना इसके अंदर सामान तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से है ये कुछ, और मैंने ना अपना बेटा पकड़ा हुआ है अपनी गोद में इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब मेरी डॉटर दिखा रही है। और ये ना बहुत ही अच्छा है, और इसके ऊपर ना फ्लावर पॉट भी लगाया जा सकता है यहाँ पर ना, ये जो है यहाँ पर आप फ्लावर पॉट लगा सकते हो, तो ये ना लगने के बाद फ्लावर पॉट और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसके अलावा ना मैंने एक चीज़ और मंगाई थी, और फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने मसाले इसके अंदर सारे फिल कर दिए हैं, और ये देख सकते हो आप इसके अंदर सारे मसाले आ गए थे, और ईजिली घूम भी जाता है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो इजीली इसे, और मैं यहाँ पर साइड में इसके पिक लगा दूँगी कितने रुपीज़ का आया था ये, और फ्लिपकार्ट से लिया था। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स एक मैंने मंगाया था, ये छोटा सा पार्सल है ये, और ये देखिए मेरा बेटा इसको चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने मंगाया था एक छोटा सा पार्सल, तो इसको ओपन करने जा रही थी मैं, और यहाँ पर ना मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था यहाँ पर। तो ये देखिए इसे ना मेरी डॉटर ही ओपन कर रही थी क्योंकि सनी को मुझे पकड़ना पड़ा वो बार बार। तो ये देखिए ये मंगाया है मैंने एक इलेक्ट्रिक स्केल, तो इसकी मुझे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जरूरत लगती है, बहुत ज़्यादा। ये ना सेल से चलने वाला इलेक्ट्रिक सेल लगती है इसके अंदर, और इनकी प्राइस वगैरह ना मैं साइड में लगा दूंगी आप देख लेना। और ये ना ऑन ऑफ होता है, और यहाँ पर ना इसमें कुछ भी सामान लटका के ना इसका वेट वगैरह मेजरमेंट किया जा सकता है इस तरह से। और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा जरूरत थी, कभी कभी ना अखबार की रद्दी वगैरह देनी होती है। ये देखिए मेरा बेटा ले गया खींच कर, तो इसमें ना सामान वगैरह ना अच्छे से नापा तोला जा सकता है, मतलब कुछ सामान ऐसा होता है ना जैसे कई बार हमें नापना होता है तोलना होता है, तो हम इसमें इजीली नाप सकते हैं तोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही थी फ्रिज की क्लीनिंग, तो आप देख सकते हो मैंने ना पूरा फ्रिज खाली कर रही थी, पहले यहाँ से मैंने खाली कर दिया था सारा और बाकी का ये रह गया था थोड़ा सा, तो इसे खाली कर रही थी मैं। और ये सारे काम ना मैं मॉर्निंग में नहाने से पहले ही करती हूँ, किचन के काम जो भी करने होते हैं क्लीनिंग वगैरह के, और नहाने के बाद मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं फैलाती हूँ किचन वगैरह का कुछ भी, क्योंकि सनी को भी संभालना होता है, घर के और बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे देखने हैं, तो मैं सुबह के टाइम ही क्लीनिंग कर देती हूँ जो भी करना होता है। तो मैं धीरे धीरे लग रही थी क्लीनिंग करने, क्योंकि मुझे ना पूरे घर का मेकओवर करना है होली से पहले, तो इसीलिए एक एक चीज की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक साथ करने लगूंगी तो बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है मेरे पास, मुझे अकेला ही संभालना है उसे, इसलिए एक एक करके मैं काम करती हूँ धीरे धीरे। तो ये देखिए फ्रिज में से ना बर्फ़ निकल रही थी, बर्फ़ जमी हुई थी काफ़ी सारी, तो यहाँ पर मैंने एप्रिन बांधा हुआ था आगे, क्योंकि मैं बर्तन भी क्लीन किए थे ना मैंने अभी, तो मैंने एप्रिन बांधा हुआ था, तो जिससे ना आगे से बहुत कम गंदा होता है, वरना आगे का पोर्शन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी मैं कर लूँगी पूरा फ्रिज क्लीन। तो फ्रेंड्स
शाम का टाइम है, अभी इवनिंग का टाइम है और अभी बजने वाले हैं 7 और बच्चे गए हैं मेरे ट्यूशन। और तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ और बता देती हूँ आपको। तो ये मैंने 2 शॉपिंग की थी मतलब फ्लिपकार्ट से, और मुझे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है क्योंकि ये मैंने खुद के लिए मंगाया है, तो स्पॉन्सरशिप तो अभी मुझे नहीं मिली है, जब मिलेगी तब आपको बताऊँगी भी ज़रूर। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नीचे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई मंगाना हो तो मंगा सकते हो आप। और अब से ना मैंने ये सोचा है कि हर महीने कुछ ना कुछ किचन के लिए एक चीज़ मंगाया करूँगी, जिससे ना या लाया करूँगी, जिससे ना मेरे किचन में जो भी चीज़ें हैं कमी हैं वो मैं पूरी भी कर पाऊँ, और दूसरा मेरी किचन भी मतलब हर महीने कुछ नया होगा किचन के अंदर भी। जैसे कि आपको पिछले महीने मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ना स्टील वाली कढ़ाई ली थी, तो इस बार मैंने ये लिया है, परचेज़ किया है। नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या लेते हैं। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना एक एक चीज़ करके लेके आऊँगी अपने घर के अंदर, जो भी मुझे नीड है ज़रूरत है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जो भी लेकर आऊँगी। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ किचन टूर भी शेयर करूँगी, मतलब किचन का मेकओवर करूँगी अपने, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया था, अभी मैं धीरे धीरे और बाकी क्लीनिंग करूँगी, मतलब किचन में जो भी मुझे लग रहा है, तो करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी मुझे एक दिन बेडरूम का मेकओवर करना है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट क्या है ना कि मेरा बेटा अभी छोटा है ना, तो वो बहुत शैतानी करता है, और दूसरा मेरे दोनों बच्चे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शूट करने में। तो जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे प्रॉपर तरीके से और सनी भी स्कूल जाने लगेगा ना, तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करूँगी। तो तब तक तो थोड़ा सा मतलब जैसा भी चल रहा है ब्लॉगिंग चैनल ठीक चल रहा है, आप लोग मुझे बताना कि कैसा चल रहा है, मतलब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ज़रूर, कोशिश करूंगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग, तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।